तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इस सरकार को अब हटाना है। और यहाँ तक कि आप रोजी अब देख रहे हो जो यहाँ जो प्रत्याशी है सुन ही रहे हो, उनके बारे में तो जान ही रहे हो, हर बार जगह बदल देते हैं। सच ये सत्रह में इनका बेटा लड़ा था बलिया, और फिर 19 में भी कहीं 22 में बनारस, और अब आ गए यहाँ। तन के बारे में तो जानते ही हो क्या क्या बोलते थे, और ये सही है इनके पिताजी जो कैंडिडेट हैं, इनके पिताजी दिल्ली में, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कोई सरकार नहीं है, दिल्ली में बैठ करके अपने समाज, खैर हम जानते हैं कि इनका समाज सामान्य समाज है, राजकार समाज है, मेहनत मजदूरी करने वाला समाज है, तो उसको बेचने का काम दिल्ली में बैठ करके वहां से पैसा लेने का काम करते हैं। हर चुनाव वो पता ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, एक साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या कह रहे थे, चल सन्यासी मंदिर में और मठ में गए थे, कह रहे सब लोगों ने सुना है। तो ये एक रुपया संभालो, इनको कह रुपया नहीं गपचे वाले कह रुपया तो समझ ही गए हो, और यहां तक कि और बेटा जो चुनाव लड़ रहा है तो बाप तो एक नंबर ही है और बेटा है दस नंबर, समझ लो ये बहरुपिया है, पीले गर्भ वाले बहरुपिया इनसे बचना है। और ये राजीव राय है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, बताइए 10 वर्ष से ये गरीब रहने के नहीं कर सेवा ही कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, जो पहुंचता है उनकी मदद कर रहे हैं, और हम तो कहेंगे ऐसी मदद करनी है, और जब यहां से सांसद बन जाओ और ज्यादा मदद